अस्सलाम वालेकुम। हम आज असाइनमेंट नंबर CS506 असाइनमेंट नंबर सेकंड की सेकंड पार्ट हार करेंगे। ये हमने काफ़ी किया था, ये थोड़ा सा रह गया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगले पार्ट में इसको करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक किया था, आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ तक हमारा काम हो गया था, यानी कि डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था। ठीक है, अब हमने ये वाला पार्ट करना है। इधर आईडी लिखनी है, और जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसको किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। लेकिन आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने जितना भी कोड लिखना है इधर वो ट्राई कैच में लिखना है। इधर आपने एक स्ट्रिंग आईडी लेनी है या अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम लेना है, और इसमें जो डाटा असाइन करना है वो यहाँ से गेट करना है। ठीक है, वो यहाँ से गेट करना है, इस टेक्स्ट फील्ड से गेट करना है। सर्च आईडी TXT ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ये पेस्ट करना है, और डॉट गेट टेक्स्ट लिखना है, डॉट अगर MS Access का डेटाबेस आपने एक्सेस करना है तो आपने ये वाली लाइन लिखनी है। ये कनेक्शन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास प्रिपेयर स्टेटमेंट हो गया। इस कनेक्शन में आपने डेटाबेस का नाम भी लिखना है, जो भी आपने डेटाबेस का नाम लिखा है उधर MS Access फाइल का, और यहाँ से सेलेक्ट करना है उस टेबल से जो आपने यहाँ से डेटा एक्सेस करना है, उस टेबल का नाम लिखना है इस डेटाबेस में, यानी कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम COVID-19 पेशेंट टेबल वेयर पेशेंट आईडी इक्वल टू, इधर यूज़र जो भी आईडी लिखेगा वो उधर सर्च होगा और उसके मुताबिक आपको यहाँ डेटा दिखाएगा। ये आईडी हमने इधर PST रेसिड स्ट्रिंग में लिखी है और इधर एग्जीक्यूट किया है। FRS.next इक्वल टू पास, अगर आपके पास डेटा एक्सेसिबल हो तो ये वाली लाइन चले, और अगर डेटा मौजूद ना हो तो ये वाला लाइन चले, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, इधर हमने एक स्ट्रिंग पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पी एड्रेस, पी इफेक्ट, और ये हमने गेट किया है उधर डेटाबेस से। इधर वो नाम लिखना है जो आपने डेटाबेस में लिखा है, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, यानी आपने MS Access के डेटाबेस टेबल में जो भी नाम उधर लिखे हैं, जो भी वेरिएबल दिए हैं वो इधर लिखने हैं। और इधर आपने ये डेटा सेट करना है,
ये कॉपी करें कंट्रोल सी और इधर पेस्ट करें और फिर पेशेंट नेम इस तरह आपने ये कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है। कंट्रोल एस सेव यहाँ से ये टेक्स्ट भी डिलीट करें। अब इसको रन करते हैं। इधर रिकॉर्ड ऐड करते हैं। ये हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। अब हमने इधर जो आईडी दी थी उससे ये सर्च करना है। ये देखिए हमारे पास ये डाटा शो हो गया। मैंने इतना कर लिया। अभी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जाए जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है, जो मेन काम था वो मैंने आपके लिए कर दिया। अब देखते हैं, इधर मैं एक गलत आईडी देता हूँ फिर कार्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया और काम कर रहे हैं। इसका ये कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपको नहीं पता प्रोजेक्ट किस तरह ऐड करना है इधर, तो आप ये वाली वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। अभी मैंने अपलोड किया है आपके लिए। आप अपने नेटबीन में ये ऐड करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजिंग कर लें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।